नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जी एस वर्ल्ड में। दोस्तों, इतना दिनों से जिसका हमें इंतज़ार था, यानी कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बंद दरोगा भर्ती 2022 की, वह भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि टोटल कितने पद हैं, क्या इसके लिए पेट जरूरी है, ठीक है, और जितने भी आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित डाउट हैं सब इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक क्रम वाइज देखते चलिएगा। आपका कोई डाउट बचे तो नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। और दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं किए हैं तो करने के बाद घंटे को दबा देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फुल डिटेल्स। देखिए, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा अच्छे तरीके से इसको रीडिंग कर लिया है। और बात करें इसके पहले जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, ऑफिशियल साइट पर नहीं आया था, उसमें और इसमें क्या अंतर है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और वैकेंसी की संख्या घट गई है, ठीक है, कितनी घटी है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन की तिथि 17/10/2022 से है, और एकदम लास्ट तिथि जो है सबमिट करने की 6 तारीख 11वां महीना को है, और संशोधन करने की तिथि 11/13 को है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, जो जो काम लायक चीज़ें हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आप लोग ऑफिशियल साइट पर जा करके UP SSC.gov.in पर जा करके एक बार इसके नोटिफिकेशन को पढ़ करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फ़ोटो और हस्ताक्षर, तो वही देखिए, फ़ोटो कैसा रहना चाहिए, तो फ़ोटो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की अपलोड करेगी फ़ोटो, यानी कि जिसने पेट, ठीक है। तो पहला डाउट इन लोगों का है कि क्या इसमें हमने पेट नहीं दिया है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। PET इसमें पेट होना बहुत ज़रूरी है। पेट यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेट होना इसके लिए ज़रूरी है, साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब उसके बाद देखिए और क्या चीज़ है, हम पूरे वीडियो को, आवेदन शुल्क सामान्य जाति के लिए 25 रुपया, यानी सभी के लिए 25-25 रुपया यहाँ पर शुल्क रखी गई है। जब फाइनली आवेदन करना होगा तब उसमें पैसा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर बस वीडियो को देखते चलिए, आपका कोई भी डाउट यहाँ बचने वाला नहीं है। देखिए एक मिनट, यहाँ पर मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क, जैसा कि आयोग द्वारा, यह सब तो सबको पता है, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के बाद जब फाइनल उसमें कह रहा है फ़ीस देने के लिए, ठीक है, तो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वही लोग फीस इसमें देंगे, और बाकी किसी को देना होना यहाँ पर फीस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पदों का विवरण, देखिए जो पुराना नोटिफिकेशन वायरल हो रहा था, ठीक है, वह सरकारी गजट में प्रकाशित हुआ था, और यहाँ जो ऑफिशियल साइट पर आया इसमें और उसमें क्या अंतर है। देखिए, विभाग का नाम है वन एवं वन्य जीव विभाग, और पद का नाम है वन दरोगा। आयु रखी गई है 21 से 40 वर्ष, ठीक है, आयु 21 से 40 वर्ष से कब से इसको काउंट की जाएगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वेतन की बात करें तो देखिए यहाँ पर वेतन कितना है, 5200 से 20200 तक है, और ग्रेड पे 2800 है, 2800 यानी कि अच्छा खासा इसमें सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है 29000 से लेकर के 92000 तक पहुँच जाएगा। UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए 288 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति के लिए 160 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 20, और OBC के लिए 163 वैकेंसी यहाँ पर है, और EWS के लिए 70 है, और कुल पद 701 है। देखिए, जो हमने पिछला वाला नोटिफिकेशन जो आया तो नहीं था सरकारी साइट पर, लेकिन जो वायरल हुआ था वो अभी ऑफिशियल था लेकिन साइट पर नहीं था, उसमें पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, समथिंग 2900 या फिर कुछ ऐसे थे, ठीक है, क्लियर नहीं है। उसमें जितना भी था तो उसमें इतना ज़्यादा इसलिए था क्योंकि उस वैकेंसी में प्रोन्नति, यानी कि जिस जो प्रमोशन से ऊपर जाएंगे उनके लिए भी उसमें वैकेंसी था, और उसमें एक पोस्ट और था फॉरेस्ट रेंजर के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पर पोस्ट नहीं दिया गया है इसीलिए वैकेंसी यहाँ पर कम हो गई है। यहाँ पर जितनी वैकेंसी दी गई है, रिजर्व कुछ भी नहीं है, सभी का फ्रेश पेपर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अस्थाई लिखा है, तो इसको देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो 2 साल के लिए उसे अस्थाई तौर पर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वैकेंसी पूरी तरीके से अस्थाई, यानी सरकारी है, गवर्नमेंट है, तो इसमें लेकर नहीं करना है कि वैकेंसी संविदा पर है या फिर कुछ ऐसा नहीं है, वैकेंसी पूर्ण रूप से अस्थाई है, ठीक है, यानी कि फिक्स है।
आपका सरकारी तौर पर ही होगा। और यहाँ पर और देखिए काम की चीज़ यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो क्षैतिज आरक्षण में वन एवं वन्य जीव विभाग यानी वन दरोगा के लिए क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 14 सीट है और महिला के लिए 140 सीट है। ठीक है, महिला के लिए यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में है। और यहाँ पर पूर्व भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 सीट है और खिलाड़ियों के लिए 14। ठीक है, और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि दिव्यांगजन लोग दरोगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म भरते समय यहाँ पर दिक्कत आएगी तो यहाँ पर साफ साफ लिख गया है, उत्तर प्रदेश महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। क्यों, किस लिए मान्य होगा, यहाँ पर यह सब दिया हुआ है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पिता प्रतिपक्ष के लिए कह रहा है तो और डिटेल से पढ़ लेना है। अब देखिए शैक्षिक अर्हता, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग डाउट होंगे कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान से एकदम सुनिएगा। देखिए शैक्षिक अर्हता, इसके लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित यानी मैथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि विज्ञान, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या दो से अधिक विषय, इनमें से जितना अभी तक हमने गिनाया है इनमें आपका दो होना चाहिए या फिर दो से अधिक है तो और बढ़िया बात है, तो दो या दो से अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि यानी इतने में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जनरली देखा जाए तो बीएससी वालों के लिए यह, मतलब जो लोग बीएससी या फिर भूगर्भशास्त्र या फिर जंतु विज्ञान कृषि विज्ञान से किए हैं उनके लिए भी है, लेकिन कुछ बीए भी होता है यदि मैथ से किए हैं। कुल मिला जुला करके यदि आपका यह सब्जेक्ट में से कोई दो सब्जेक्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी स्ट्रीम से कुछ भी किया हो। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि, इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि यानी कि आपको इंजीनियरिंग यदि बीटेक वगैरह किए हैं तब भी भर सकते हैं। या कह रहा है पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि यानी कि पशु चिकित्सा विज्ञान में यदि आप ग्रेजुएट हैं स्नातक हैं तब भी इसको भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कह रहा है करना होगा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर लगा दिया समकक्ष, अब समकक्ष में क्या क्या आएगा इसको क्लियर करता ही नहीं है कभी आयोग। अब देखिए समकक्ष में क्या क्या आता है, वैसे इतना में यदि आपका कोई है दो या दो से अधिक सब्जेक्ट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली बीए वालों के लिए कहें जैसे फिजिक्स बीए वालों के लिए, इतिहास भूगोल वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जो बीए होता है उस वाले अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पर अधिमानी अर्हता को लेकर के कन्फ्यूजन नहीं होना है, अधिमानी अर्हता मतलब है यह यदि आपके पास है तब प्लस पॉइंट है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यह यदि है तब बढ़िया बात है, नहीं है तो कोई पॉइंट कोई बात नहीं। इसमें जैसे एनसीसी का आपको आपके पास 20 सर्टिफिकेट हो या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या उससे अधिक तक सेवा दिए हों। अब देखिए आयु सीमा कब से काउंट की जाएगी, तो आयु सीमा आपकी काउंट होगी पहली जुलाई 2022 को, यानी कि जिस वर्ष यह वैकेंसी आती है उस वर्ष में आपको 1 जुलाई तक 21 वर्ष हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 से काउंट होगी, 21 वर्ष और 40 वर्ष की से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चयन की प्रक्रिया का आधार उधार ये सब तो आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पुरुष के लिए यहाँ पर ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना का फुलाव 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए यानी कि 79 यदि आपके पास है और 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं तो 84 होना चाहिए यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव के साथ। महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीने का घेराव 79 और 5 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर यदि आप नेपाली, कुमाऊनी, गढ़वाली यानी कि पहाड़ी एरिया से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ऊंचाई में छूट मिल जाएगी, पुरुष 152.5 सेंटीमीटर हो ऊंचाई तब भी अप्लाई कर सकते हैं और महिला 145 सेंटीमीटर हो तब भी अप्लाई कर सकती हैं। अब उसके साथ यहाँ पर देखिए इसमें दौड़ कितनी होगी, तो यहाँ पर 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष को
ठीक है, यानी पुरुष को 4 घंटों में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, चाहे दौड़ कर पूरा करें, भाग कर, लेट कर, कैसे भी पूरा करें 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल में अर्हता प्राप्त की जाएगी। फिर भी इसमें आसान है, फॉरेस्ट गार्ड वाले में क्या किया है, 25 किलोमीटर तो चलना ही है, साथ साथ आपको 10 किलो वज़न भी लेकर चलना है। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है, केवल आपको 25 किलोमीटर चलना है। अब देखिए यहाँ पर शारीरिक, ठीक है, यह सब इसको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए विशेष नोट यहाँ पर क्या लिख दिया है, वन दरोगा में लिखित परीक्षा है तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, यानी कि जितने पद हैं 701 है ना ऊपर, हाँ 701 पद में 701 × 15 इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पर फाइनली मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा, और परसेंटाइल 0.2 अंक तक यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत मतलब कि यहाँ पर जो कह रहा है एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें आवेदन कम ही होंगे। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, तो यह सब कोई उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट और क्या दिक्कत है, ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस को लेकर के बहुत लोग चिंतित होंगे कि इसका सिलेबस बताइए, सिलेबस पे हम तैयारी करें, तो इसका देखिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। वैसे बात करें इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मान के चलिए जैसे फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी था, जीएस था, और क्या था, हिंदी, जीएस और एक टॉपिक क्या था भाई, हिंदी, आपकी हिंदी हो सकती पूरी 50 में 50 नंबर किया, जीएस और रीजनिंग, ठीक है, तीनों हो सकता है 50-50 नंबर दे दे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा ही था, हमने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया है, अच्छा खासा नंबर भी हो सकता है, निकल भी सकता है, लेकिन इसके लिए हम अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि हमें संबंधित में मतलब संबंधित डिग्री हमारे पास नहीं है। तो हो सकता है इसमें 50-50 क्वेश्चन दे, और जहाँ तक लग रहा है 50-50 ही देगा। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट के बारे में तो अभी सोचिए मत, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, इसका एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा गया है। अब देखिए बात करें इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो देखिए जॉब प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं, और ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर चैनल पे चले जाइए आपको मिल ही जाएगा। और एक बार फिर से यदि आप चैनल पे अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, और लाइक का बटन दबा दीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे एक बार कमेंट में करिए, क्योंकि हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने सभी चीज़ बता दिया, एक बार नज़र और मार लेते हैं। ठीक है, और इसमें लोग पूछेंगे कि क्या अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अभी कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ लिख देता है कि जिसके पास डिग्री है वही अप्लाई कर सकता है, यानी कि आवेदन की लास्ट तिथि तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर 12th वालों के लिए नहीं वैकेंसी है, BA में यदि आपका हुआ सब्जेक्ट है संबंधित भर सकते हैं, BSc वाले तो फुल भर सकते हैं, ओ लेवल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ चुका होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।